सूर्यमानस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकाव्य के बारे में विचार करेंगे। बंद की दृष्टि से भारतीय समीक्षा पद्धति में श्रव्य काव्य के दो भेद किए गए हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध में पूर्वापर तारतम्य होता है, मुक्तक में इस तारतम्य का अभाव रहता है। प्रबंध के भी शास्त्र में दो भेद किया गया है, महाकाव्य और खंडकाव्य। महाकाव्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, पर खंडकाव्य में जीवन के केवल एक पक्ष का ही वर्णन होता है। संस्कृत काव्य शास्त्र में महाकाव्य के स्वरूप का वर्णन अनेक लोगों ने किया है, अग्निपुराण, ईशान संहिता, दंडी के काव्यादर्श और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में महाकाव्य के स्वरूप की व्यापक विवेचना हुई है। भारतीय काव्य शास्त्रों में महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षण इस तरह बताया है, महाकाव्य सर्गों में बनता होता है, महाकाव्य का नायक देवता सद्वंश क्षत्रिय तथा धीरोदात गुणों से युक्त होता है, श्रृंगार वीर शांत रसों में एक रस अंगी यानी मुख्य होता है, अन्य रस गौण रूप में आते हैं। महाकाव्य में नाटक की सब संधियां रहती हैं। महाकाव्य की कथा इतिहास प्रसिद्ध या लोक प्रसिद्ध होती है, जैसे कृष्ण राम या गांधी की कथा। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों में से एक महाकाव्य का फल यानी उद्देश्य होता है। इसमें मंगलाचरण और वस्तु निर्देश होता है। भारतीय कवि अध्यात्मवादी होने के कारण आरंभ में प्रभु स्मरण करता है, कहीं कहीं खलों की निंदा और सज्जनों का स्तुतिकान भी होता है। महाकाव्य में न बहुत बड़े और न छोटे, 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होता है, पर सर्ग के अंत में वो बदल जाता है। कहीं कहीं एक सर्ग में अनेक छंद भी मिलते हैं। सर्ग के अंत में अगली कथा की सूचना होती है। महाकाव्य में संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, अंधकार, दिन, प्रातः, दोपहर, आखेट, पर्वत, ऋतु, वन, नगर, युद्ध, यात्रा, यज्ञ, विवाह आदि का यथासंभव वर्णन होता है। महाकाव्य का नामकरण नायक के नाम से, जैसे पृथ्वीराज दासो, घटना के आधार पर जैसे प्रिय प्रवास, या स्थान के आधार पर जैसे साकेत होना चाहिए। अब हम देखते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अनुसार महाकाव्य के लक्षण क्या क्या है। यह एक बृहदाकार प्रकथन प्रधान काव्य है। व्यक्ति की अपेक्षा इसमें जातीय भाव अधिक रहते हैं। इसमें प्रायः कोई बड़ा जातीय संघर्ष भी दिखाया जाता है। इसका विषय परंपरा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है। इसके पात्र शौर्य गुण प्रधान होते हैं। उनका संपर्क देवताओं से भी रहता है। इसमें नायक के चारों ओर कथा घूमती रहती है। इसकी शैली में एक विशेष प्रकार की शालीनता और उच्चता रहती है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। होमर का इलियड महाकाव्य का अच्छा उदाहरण है। संस्कृत आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में विवेचन किया है कि किन लक्षणों को महाकाव्य के अनिवार्य और किन्हें गौण तत्वों के रूपों में रखा जा सकता है। उन्होंने महाकाव्य के निम्न सूचित 5 तत्व अनिवार्य बताए हैं, कथावस्तु, नायक, रस, फलागम और शय।